जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया, यहाँ पर मैं पीटीयू के जो रिज़ल्ट हमारा 6 सेमेस्टर का जो आ चुका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अलावा जो आज हम बात करेंगे वो एग्ज़ाम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड और जो ऑनलाइन बेस्ड मेथड एग्ज़ाम हुआ है हमारा, उसमें क्या मार्क्स में कोई डिफरेंसेस रहे हैं, या कोई जैसे बायस्ड वाला होता है कि ऑनलाइन में ज़्यादा मार्क्स दे दिया उसमें कम दे दिया, ऐसा कुछ है, तो इन सब चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिविजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो जब स्टार्ट करते हैं हम अपने बात अपने टॉपिक से, तो सबसे पहले तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि जब आपके मार्क्स आ जाए आपका 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट तो आप उसे अपनी वीडियो में ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पे वो भी बताऊंगी, और मैंने उन्हें ये भी बोला था कि जो एग्ज़ामिनेशन की जो कंपेयर करके रिजल्ट्स को कंपेयर करके ज़रूर बताऊंगी कि कैसा रहा रिज़ल्ट और क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई नहीं आई, इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा रिज़ल्ट करीबन कल 8-8:30 बजे तक ग्रुप में आ चुका था, पर मैंने खोला ही फ़ोन रात को व्हाट्सएप अपना, तो मैंने वहाँ पे देखा, फिर वहाँ पे देखा। उसके बाद एक और चीज़ जो प्रॉब्लम हुई, हम अपने कैसे अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं वो उसे बताएंगे। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो 9.4 के अराउंड है, अगर उसे राउंड अप करते हैं तो 9.4 वो बन जाता है। मेरे पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, मैं रिज़ल्ट से खुश हूँ, सफिशियंट हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, एज एक्सपेक्टेड था मेरा रिज़ल्ट। तो उसके अलावा अब बात करते हैं हम कि क्या जो हमारा ट्रेडिशनल बेस्ड मेथड जो एग्ज़ाम होता था और जो ऑनलाइन OBE एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो क्या इसके रिज़ल्ट में कुछ फ़र्क आया है। तो जितने भी यहाँ पे PTU के स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे उन्हें ये पता होगा कि जो पहले जैसे कि हमारा ग्रुप बना होता है एज यूजुअल कॉलेज में, और वहाँ पे हमारे टीचर्स पूरी जो लिस्ट होती है हमारी वो भेज दी जाती है, या हमारे नोटिस बोर्ड पे वो रिज़ल्ट लग गया होता है। उसके अलावा हम अपने फ्रेंड्स क्लासमेट सबको जानते हैं कि वो कैसे पढ़ने में उनके मार्क्स कैसे आते हैं, तो मैंने वो रिज़ल्ट देखा जो हमारी लिस्ट थी, तो उसमें सबके मार्क्स जैसे आते थे वैसे ही हैं, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं नज़र आया। और पहली बात, कई बार मुझे पहले ये लगता था कि जो हमारे आंसर शीट्स गए हैं उस आंसर शीट को चेक नहीं किया गया होगा तभी इतनी जल्दी रिज़ल्ट निकाल दिया गया, बट ये होगा कि उन लोगों ने बस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमारे आंसर शीट को मंगाया था, बाकी उन्होंने जितने भी करेक्शंस वगैरह किए होंगे वो मे बी डिजिटली कर लिया होगा किसी तरह से। तो मार्क्स में कोई भी प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, ये नहीं कि मेरे मार्क्स ठीक हैं तो मैं दूसरों के लिए बोल रही हूँ, बल्कि ओवरऑल किसी के भी एक भी सप्लीज नहीं थी, मतलब उन्होंने सबको पास किया है। अगर पिछले बेसिस पे किया होता तो शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल बेस, और इसमें हमने कंपेयर भी कर लिया कि हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आता है हमारा कि हम अपने रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे अपने DMCs को डाउनलोड करना था, जो कि हम अपने PTU ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के कर लेते हैं। तो वहाँ पे सारे जितने भी DMCs थे वो सारे के सारे हटा दिए गए थे, रिजल्ट शो हो रहे थे बट DMC शो नहीं हो रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों। कल रात को भी वैसा ही हुआ, जैसे ही मैंने अपनी लॉगिन आईडी डाली और अपना रिज़ल्ट एक बार खोला उसके बाद वो रिज़ल्ट दोबारा ओपन नहीं हुआ। एक बार मैंने देख लिया, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोबारा उसे ओपन कर रही थी बट वो ओपन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप एक बार अगर आपका ओपन हो जाता है तो आप फटाफट वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बस उनकी उनके बोलने पे मैंने अपना जो भी मेरा रिज़ल्ट है वैसा मैंने आप सबको बताया। अगर आप सब भी एग्ज़ाम दे चुके हैं जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा तो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।